हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन इस वॉल पे एशियन पेंट्स का रॉयल प्ले डेपल टेक्सचर्स बनाने वाले हैं दोस्तों। तो जो डेपल टेक्सचर्स बनाते हैं उसके लिए अपन ने वॉल पे बेस कोट लगा दिया है। बेस कोट का जो नंबर है वो आप देख सकते हैं, रॉयल लग्जरी इमल्शन में अपन ने 7722 इसका बेस कोट यूज़ किया है दोस्तों। और दोस्तों, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि अपन किस तरीके से टेक्सचर्स को जो है डेपल टेक्सचर्स को अपन बनाते हैं। तो डेपल टेक्सचर्स का जो टूल है उसको भी मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। डेपल टेक्सचर्स का जो टूल है वो आप देख सकते हैं, डेपल ये मार्केट में ऐसा डेपल पेपर आता है, आपको पेंट की दुकान पर मिल जाएगा। ये एक तरीके का पेपर आता है, इस पेपर से अपन इस टेक्सचर्स को जनरली बनाते हैं। तो किस तरीके से इस टेक्सचर्स को बनाया जाता है वो भी मैं आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर पूरा बताऊंगा दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक दोस्तों। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेक्टेंगल में अपना ये जो डैपल पेपर है उसको आपको इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि बंदा ये कॉर्नर्स को तोड़ रहा है, आपको भी ये कॉर्नर्स को पेपर को है जो थोड़ा सा फाड़ना है तोड़ना है। अपने को ये चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं लोग इसको क्या है डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो उससे क्या है रेक्टेंगल में जॉइंट्स दिखते हैं जैसे जैसे डैपल पेपर लगता है वॉल पर। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने को इसको प्रॉपर जो है कॉर्नर से वो इसके सारे अपने को जो कॉर्नर से उसको अपने को जगह जगह से इसको फाड़ना है, अपने को इसके टुकड़े टुकड़े थोड़े थोड़े निकालने हैं दोस्तों। और उसके बाद में टुकड़े निकालने के बाद में अपने को इसको थोड़ा सा मैश करना है। वो मैश किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। इस तरीके से अपने को इस पेपर को मैश करना है ताकि ये जो प्रॉपर डिज़ाइन है वो पूरी अच्छे तरीके से निकल के आएगी, क्योंकि ये कहीं वॉल पर चिपकेगा तो कहीं जो वॉल का जो टॉप कोड है वो जहाँ जहाँ के इससे वॉल पर चिपकेगा वो मटेरियल लेके आ जाएगा। और दोस्तों, इसका जो टॉप कोड है वो है एशियन पेंट्स का रॉयल प्ले PG5, जो आप देख सकते हैं 7455 इसका टॉप कोड लगेगा नॉन मेटालिक के अंदर दोस्तों। तो गाइज आप देख सकते हैं एप्लीकेटर ने अपना जो टॉप कोड है वो अपना लगाना स्टार्ट कर दिया है वॉल के ऊपर। तो टॉप कोड लगाने के लिए आप जनरली ब्रश और रोलर का इस्तेमाल करिएगा। रोलर जो अपने को यूज़ करना है वो एप्लीकेशन रोलर यूज़ करना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने को पूरी वॉल पे अगर आपकी वॉल 100-150 फिट की है तो एक बार में आप पूरा इसके ऊपर आप मटेरियल लगा दीजिएगा और कमरे को अपने को पैक करके रखना ताकि मटेरियल सूखेगा नहीं। देन उसके बाद में अपन इसके ऊपर डिज़ाइन निकाल सकते हैं। अगर आपकी वॉल बड़ी है उससे ज़्यादा है तो आप दो टुकड़ों में इसको निकाल सकते हैं, डिज़ाइन को पैटर्न को अपन दो टुकड़ों में निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अपने को पूरी वॉल को एक साथ में अपने को रोलर से घुमाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर रोलर से रोलिंग करने के बाद में प्रॉपर फिनिश करना है, देन अपने को इसके ऊपर डिजाइन बनानी है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर बंदा पूरा अच्छे तरीके से रोलिंग कर रहा है, देन इसके ऊपर डैपल पेपर अप्लाई करेगा दोस्तों। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन ने रोलर से एप्लीकेशन रोलर से पूरा मटेरियल को अप्लाई करने के बाद में उसको अच्छे से रोलिंग करने के बाद में अब अपन डैपल पेपर से डिजाइन को जो बनाना है वो स्टार्ट कर चुके हैं। पैटर्न जो क्रिएट करना है वो प्रोसेस अपना स्टार्ट हो चुका है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपन जो टेपल पेपर है उसको पूरी वॉल पे लगाते हैं। और उसके बाद में अपने को जो एक न्यूज़पेपर लेना है या कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं टेपल पेपर से ही, इसको वॉल पे ऐसे ऐसे दबाना है टेपल पेपर को, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदा प्रेस कर रहा है। और उसके बाद में हाथों हाथ अपने को टेपल पेपर को वॉल से हटा देना है। तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर भी टेपल पेपर वॉल पर चिपकेगा वहाँ से वो टॉप कोट जो मटेरियल है वो लेके आ जाएगा और नीचे का बेस कोट नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न जो है जो डिज़ाइन है वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है अपने को, डिज़ाइन का जो लुक है आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी वॉल पे अपने को दिखने लगा है हल्का हल्का सा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और हाँ, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो यार, मुझे लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो गाइज आप देख सकते हैं टेक्सचर का जो फाइनल लुक है हम सभी लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। पैची पैची सा ये लुक देता है एक टेक्सचर्स, डबल शेड में मल्टी शेड में टेक्सचर्स बनता है। जनरली आप जैसा कि वॉल के ऊपर देख सकते हैं बेस कोट और टॉप कोट दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।